पर्ल में हैश पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पर्ल में हैश और हैश के एलिमेंट को एक्सेस करना। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ Ubuntu Linux 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्ल 5.14.2 और Gedit टेक्स्ट एडिटर। आप अपने पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको पर्ल में वेरिएबल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स का ज्ञान होना चाहिए। कमेंट्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और एरेज का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा। कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। हैश डेटा का एक क्रम विहीन संग्रह है। यह एक की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर है। हैश की कीज विशिष्ट होती हैं, फिर भी हैश की समरूप वैल्यूज हो सकती हैं। यह हैश का डिक्लेरेशन है। देखते हैं कि हैश से की वैल्यू कैसे प्राप्त करें। की वैल्यू एक्सेस करने के लिए सिंटैक्स है डॉलर हैश नेम ओपन कर्ली ब्रैकेट सिंगल कोट की नेम सिंगल कोट क्लोज कर्ली ब्रैकेट। सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके हैश को समझते हैं। मैंने Gedit में perlhash.pl फाइल में कोड पहले ही टाइप कर दिया है। कोड टाइप करें जैसे कि आपकी perlhash.pl फाइल में दिखाया गया है। पर्ल में हैश परसेंटेज चिन्ह द्वारा घोषित होता है। ये हैश की कीज हैं और ये हैश की वैल्यूज हैं। ध्यान दें, हैश की को एक्सेस करने के लिए डॉलर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाएं, फिर टर्मिनल पर जाएं और perlhash.pl के रूप में पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर दिखाया गया है। अब हैश से कीज को जोड़ना और हटाना देखते हैं। की को जोड़ने के लिए सिंटैक्स है डॉलर हैश नेम ओपन कर्ली ब्रैकेट सिंगल कोट की नेम सिंगल कोट क्लोज कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू डॉलर वैल्यू सेमीकोलन। की डिलीट करने के लिए है डिलीट डॉलर हैश नेम ओपन कर्ली ब्रैकेट सिंगल कोट की नेम सिंगल कोट क्लोज कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन। अब इसे एक सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं। मैंने हैश की operations.pl फाइल में कोड पहले ही टाइप कर दिया है। यह हैश का डिक्लेरेशन है। हम इस हैश से कीज जोड़ेंगे और डिलीट करेंगे। यहाँ हम पहले ही बनाए हुए एक हैश में की जोड़ रहे हैं। यह वेरिएबल में वैल्यू निर्धारित करने के समान है। डिलीट कीवर्ड की को डिलीट करने के लिए उपयोगित है। हमें की को डिलीट करने के लिए पास करने की आवश्यकता है। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाएं। टर्मिनल पर जाएं और perlhashkeyoperations.pl के रूप में पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करें और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर दिखाई देगा। हैश कीज और वैल्यूज को क्रमबद्ध करना देखते हैं। कीज को क्रमबद्ध करने के लिए सिंटैक्स है सॉर्ट ओपन ब्रैकेट कीज परसेंटेज हैश नेम क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। इसी प्रकार हम हैश की वैल्यूज क्रमबद्ध कर सकते हैं सॉर्ट ओपन ब्रैकेट वैल्यूज परसेंटेज हैश नेम क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। एक सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया समझते हैं। Gedit में sorthash.pl पर जाएं। कोड टाइप करें जैसे आपकी sorthash.pl फाइल में स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ हमने एड्रेस का हैश घोषित किया है। यहाँ कीज को क्रमबद्ध करने के लिए हमने कीज फंक्शन के साथ सॉर्ट इनबिल्ट फंक्शन का उपयोग किया है। यह हैश कीज को वर्णात्मक क्रम में क्रमबद्ध करेगा। इसी तरह हम सॉर्ट फंक्शन का उपयोग हैश की वैल्यूज पर कर सकते हैं।
क्रमबद्धता संख्यात्मक कीज और या वैल्यूज पर भी कर सकते हैं। फाइल को सेव करें और टर्मिनल पर जाएं। पर्ल सॉर्टहैश डॉट पीएल टाइप करके स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर दिखाई देगा। अब देखते हैं कि हैश की सभी कीज और वैल्यूज को कैसे प्राप्त करें। पर्ल सभी हैश कीज और वैल्यूज को फेच करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन को प्रदान करता है। कीज फंक्शन का उपयोग हैश की सभी कीज को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वैल्यूज फंक्शन सभी कीज की वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि ईच फंक्शन हैश पर दोहराया जाता है और हैश से की वैल्यू युग्म रिटर्न करता है। इन्हें एक सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं। इसके लिए हम perlhash.pl स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे, जिसे हमने पहले ही इस ट्यूटोरियल में बनाया है। निम्नलिखित कोड के भाग को टाइप करें जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब कोड को समझते हैं। हैश में कीज फंक्शन एक एरे रिटर्न करता है जिसमें हैश की सभी कीज शामिल हैं। हैश में वैल्यूज फंक्शन हैश की सभी कीज के लिए वैल्यूज के एरे को रिटर्न करता है। ईच फंक्शन की वैल्यू के युग्म को रिटर्न करता है। यहाँ हमने व्हाइल लूप का उपयोग किया है। यह हैश की प्रत्येक की वैल्यू पर पुनरावृत्ति करेगा जो ईच फंक्शन द्वारा रिटर्न होती है। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाएं। अब perlhash.pl टाइप करके टर्मिनल पर स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएं। निम्न आउटपुट टर्मिनल पर दिखाई देगा। अब हैश पर लूपिंग के कुछ अन्य तरीके देखते हैं। हम हैश की प्रत्येक की पुनरावृत्ति के लिए फॉर ईच लूप का उपयोग कर सकते हैं। फिर की वैल्यू पर क्रियाओं के सेट को क्रियान्वित करते हैं। सिंटैक्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। यहाँ फॉर ईच लूप की प्रत्येक पुनरावृत्ति हैश से डॉलर वेरिएबल को की निर्दिष्ट करेगी। फिर यह उस डॉलर वेरिएबल का उपयोग वैल्यू को फेच करने या क्रियाओं के सेट को क्रियान्वित करने के लिए करता है। इसी तरह हम हैश वैल्यूज पर लूप कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। हम एक सैंपल प्रोग्राम देखेंगे, अतः gedit में loopingoverhash.pl पर जाएं। कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसे आपके loopingoverhash.pl पर दिखाया गया है। कोड का यह भाग हैश की सिंगल की को रिटर्न करता है। यहाँ हमारे केस में पहली बार डॉलर की विभाग को कीज के रूप में शामिल करता है। फॉर ईच की दूसरी पुनरावृत्ति में नेम की रिटर्न होती है। ध्यान दें, हैश डेटा का अव्यवस्थित संग्रह है, अतः कीज द्वारा प्राप्त रिटर्न हैश बनाते समय परिभाषित क्रम में नहीं होगा। वैल्यूज पर लूप एक सामान्य तरीके से कार्य करता है। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाएं, फिर टर्मिनल पर जाएं और पर्ल loopingoverhash.pl के रूप में पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएं। निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित किया जाता है। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा, सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके पर्ल में हैश और हैश के एलिमेंट्स को एक्सेस करना। यहाँ आपके लिए नियत कार्य है। की के रूप में विद्यार्थी का नाम होने और वैल्यू के रूप में उसका या उसकी प्रतिशत होने पर हैश को घोषित करें। कीज, वैल्यूज और ईच फंक्शन का उपयोग करके हैश पर लूप करें। फिर प्रत्येक विद्यार्थी के प्रतिशत को प्रिंट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। आशा करते हैं कि आपने इस पर्ल के ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यशवराब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।